सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का इस नए यूट्यूब वीडियो में। कल के वीडियो में मैंने जैसा कि बोला था, हम 5 बजे सुबह ट्रेन करने जाने वाले बैक एंड रेयर डेट्स। सो मैं अभी मोस्टली सोने ही वाला था। मतलब मैं एकदम वैसे मूड में था कि भाई मैं नहीं उठने वाला। मैं सोने से पहले सोच के सोया था कि मतलब मैं नहीं उठ पाऊंगा, बट आर्यन को मैंने टेक्स्ट किया था कि भाई मेरे को उठा देना, नहीं तो मतलब डेली व्लॉगिंग का थोड़ा सीन हो जाएगा। क्योंकि संडेज, आज संडे है बाय द वे, संडेज को जिम सिर्फ क्या बोलते हैं 3 बजे तक खुले रहते, दोपहर के 3 बजे तक। एंड मैं जब भी उठता एंड फिर बाद में रेडी होने के बाद एक मील खा के जाता, तो तब तक ऐसा टाइम हो जाता कि मतलब एकदम क्राउडेड हो जाता जिम। तो वो नहीं चाहिए था मेरे को। लकीली मैं उठ गया एंड अभी कॉफ़ी पी के मस्त जिम जाएंगे। आज के बैक डे के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड आज एकदम सिंपल बैक वर्कआउट करेंगे एंड घर आएंगे एंड फिर उसके बाद नींद पूरी करेंगे, क्योंकि कल रात को भी मैं सिर्फ 3 घंटे सोया हूँ। सो कोई बात नहीं, जो भी अपन अपना डेली व्लॉगिंग को कुछ भी रीजन से ये नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। सो ऑल्सो मैं आपको थोड़ा न्यूट्रिशन अपडेट देते रहता हूँ। एंड मेरे को लोग ने बोला था कि एंगल्स चेंज करते रहना ताकि लोग ऐसे एंगेज रहे वीडियो में। तो अभी करंटली मैं 2400 कैलोरीज खा रहा हूँ। 2400 कैलोरीज मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज है। एंड उसके बाद मैं 2400 कैलोरीज पूरे दिन में खाता हूँ एंड वॉकिंग से 200 का डिफिशिट क्रिएट करता हूँ। सो मैंने 77 से 75 तक वेट कट किया है। एंड मैंने ऐसा पूरा इंटेंशनली कट नहीं किया, ऐसा बहुत दिन थे जहाँ पर मैं ढंग से स्टेप्स पूरे नहीं कर रहा था। बट मैं एक मेजोमॉर्फ हूँ एंड अगर मैं 200 कैलोरी या 300 कैलोरी भी एक दिन कम खाता हूँ ना, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुली मेरा वेट कट डाउन कर देता है। एंड अगर 200-300 कैलोरी ज़्यादा खाऊंगा तो बढ़ जाता है वेट। तो मेरा बॉडी टाइप वैसा है कि जिसमें इजीली वेट बढ़ जाता है एंड इजीली वेट कट हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ यही बॉडी वेट को मेंटेन करते हुए या थोड़ा सा कट करके यही बॉडी टाइप को अपन रिकॉम्पोजिशन करेंगे। टाइम लगेगा बट अच्छा बॉडी इज वॉट आई नीड करेंटली। एकदम श्रेडेड, एकदम लीन मेरे को दिखने में एकदम अच्छा लगता है। एंड मतलब मैं बल्क किया था, उसके बाद आई नो कि वो फीलिंग कैसी थी कि मैं अपने आप को मोटा देख रहा हूँ, तो वो मुझे नहीं चाहिए। तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, कॉफ़ी बना के निकलते जिम के लिए। एंड आज हम सब जो भी कल ट्रेन कर रहे थे, आर्यन, ऋषभ एंड अमित साथ में ट्रेन करने वाले। सो लेट्स गो भाई। 5 बजे सुबह उठने के बाद हम लोग को पता चलता है ये जिम अभी तक खुला ही नहीं है भाई। ये लोग आके इधर हाँ खड़े थे एंड ये लोग बोल रहे हैं जिम खुला ही नहीं है अभी तक, 7 बजे खुलेगा शायद। तब तक क्या करने का है? क्या करेंगे, देखते घूमते और क्या। 7 बजे तक घूमना है तेरे को? क्या करेंगे भाई। तो फक यार, मैं कल एडिट किया और भाई इंस्टाग्राम पे रील्स भी नहीं देख पाया मैं। रोज सोने से पहले थोड़ा रील्स देखना पड़ता है ना भाई। रील्स भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ एडिट किया चुपचाप। पढ़वे हो गया। अच्छा, हम बोला था 5 बजे से यहीं रुके थे, इसलिए वो पूछ लिया। सो भाई मतलब स्कैम ही हो गया आज तो। मतलब जिम भी बंद है एंड मतलब 8 बजे खुलने वाला है, तो मैं मोस्टली अभी घर जाके सोऊंगा। एक ही दिन छुट्टी मिला था, उसमें भी भाई मैं सिर्फ 2 घंटा सोया। तो अभी घर जाके सोऊंगा एंड फिर बाद में दोपहर को आऊंगा जिम, बैक ट्रेन करके फट से जाऊंगा। यार सुबह का नींद खराब हो गया, प्रॉब्लम ये है। हम लोग गए, देखा तुम लोग ने, पूरा जिम ही बंद था। हम लोग एटलीस्ट 1-1.5 घंटा वेट भी किए, हम लोग जाके टाइम पास किए, गार्डन ये सब में चाय वाय पिए, बट फिर भी जिम नहीं खुला। तो दोपहर को जाते भाई, एकदम भीड़ वाले टाइम पे आया हूँ मैं। जो मैं सुबह बात कर रहा था जो भीड़ वाले टाइम की, वही टाइम पे आया हूँ मैं। आई होप कि मतलब इतना तो थोड़ा खाली रहता है कि मतलब मैं एटलीस्ट कंफर्टेबली बात करूँ, क्योंकि एकदम क्राउडेड टाइम पे ना, जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ एंड माइक पहन के कुछ भी बोल रहा रहता हूँ, तो लोग मतलब ऐसा समझते हैं कि मैं पागल हूँ, कि कैमरा से क्यों बात कर रहा हूँ। एकदम ऑकवर्ड एक्ट करते हैं, कि वो लोग ने फर्स्ट टाइम ट्राइपॉड देखा है, फर्स्ट टाइम माइक देखा है, वैसा ऑकवर्ड सा एक्ट करते।
सो आई होप कि वो नहीं होता। तो अभी जिम काफी क्राउडेड है एंड हमने वेटेड पुलअप्स के साथ शुरू किया। मैं एक वार्म अप सेट करूंगा नॉर्मल बॉडी वेट के साथ, फिर बाद में जो मेरा मेन सेट होगा जैसे कि 10 kg में आज वेटेड पुलअप्स मैक्स वेट खींचने वाला हूँ, तो उसका 50% जो कि 5 kg होता है उसके साथ मैं दूसरा वार्म अप सेट करूंगा एंड फिर बाद में मैं अपना मेन सेट अटेम्प्ट करूंगा। लास्ट टाइम मुझे 7 reps मिले थे एंड इस बार आई थिंक सो 8 reps मिलेंगे। तो ये जो भी वार्म अप सेट्स कर रहा हूँ उनका गोल ये है कि मैं अपने मेन सेट के लिए रेडी हो जाऊँ एंड मैं इसको फेलियर तक नहीं लेके जाता हूँ। जो भी बॉडी वेट वाला पुलअप का सेट किया मैंने एंड जो 5 kg का सेट करूंगा मैं, उसमें मेरा गोल ये होने वाला है कि मैं अपने नर्वस सिस्टम एंड अपने बॉडी को रेडी करूँ फॉर द मेन सेट। So 10 kg, let's aim for getting 8 reps at least, try karunga with a pause in the bottom, last time 7. भैया 7.5 reps। सो वेटेड पुलअप्स का मेन सेट होने के बाद मैं न्यूट्रल ग्रिप जो भी लैट पुल डाउन रहता है वो परफॉर्म करता हूँ, जिससे मैं अपने बैक को और अच्छे से आइसोलेट कर सकूँ। इससे भी प्रोग्रेस अच्छा चल रहा है। तो रिसेंटली मेरे को बैक ट्रेनिंग के लिए जो भी न्यूट्रल ग्रिप रहता है वर्टिकल पुल्स के लिए वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि आपका हैंड एकदम क्लोज पोजीशन में रहता है तो लैट्स एकदम अच्छे से एक्टिवेट होते हैं। मैं पहले नॉर्मल लैट पुल डाउन करता था, उससे क्या होता था कि मतलब आई डोंट नो स्टिमुलस मिलता था, बट जब भी मैंने न्यूट्रल ग्रिप ट्राई किया तभी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ मेरे लैट्स में। एंड ऑल्सो बहुत लोग मेरे को पूछते हैं कि वर्टिकल पुल कौन सा बेस्ट है, हॉरिजॉन्टल पुल कौन सा बेस्ट है, रोइंग कौन सा बेस्ट है और लैट पुल डाउन कौन सा बेस्ट है। आपके बैक को सीरियसली बोलो तो पता नहीं चलता है कि आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, उसको सिर्फ ये पता चल रहा है कि आप कौन सी एक्सरसाइज से क्या बोल रहे हो, क्या टारगेट करना चाह रहे हो। जैसे मैं अगर मैं लैट पुल डाउन करूँगा तो भी मेरे लैट्स एक्टिवेट होंगे, मैं अगर न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन करूँगा तो मेरे लैट्स एक्टिवेट होंगे। एट द एंड ऑफ द डे आपको लैट्स को जो भी वर्टिकल पुल से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वो करो एंड जो भी रोइंग एक्सरसाइज आपको पसंद है वो थिकनेस के लिए बिल्ड करो। सो वर्टिकल पुल्स आपके वाइडनेस के लिए होता है एंड हॉरिजॉन्टल पुल आपके अपने थिकनेस के लिए रहता है। मैं रिसेंटली 2 वर्टिकल पुल कर रहा हूँ रोइंग, जिससे मेरे को थिकनेस बढ़ेगी मेरे बैक में। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे को रोइंग एक्सरसाइजेस ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू वर्टिकल पुल्स। काफी जिम तो केवल पूरा टेक ओवर है, तो केवल रोइंग एंड केवल पुल ओवर गिव अप करके ये जो लैट का एक्सरसाइज है, लैट पुल ओवर का एक्सरसाइज वो करना पड़ेगा। ये मशीन मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, देखते हैं।
तो हर बार की तरह लास्ट एक्सरसाइज रेड एल्ट फ्लाई, एंड मैं हर बार की तरह बोलूंगा कि रेड एल्ट को स्किप मत करो। रेड एल्ट ये वाला मसल ग्रुप होता है जो आपके ओवरऑल एस्थेटिक्स बढ़ाता है बॉडी के, तो इसको कभी स्किप मत करना। एंड इसमें भी इंटेंसिटी फुल रहने वाली है। आज के पुल वर्कआउट में काफी एक्सरसाइजेस हमें स्किप करनी पड़ी, केबल रोइंग, केबल पुल ओवर, ये सारी एक्सरसाइज स्किप करनी पड़ी क्योंकि जिम काफी क्राउडेड था अभी। एंड जो भी नई एक्सरसाइज ट्राई की, जैसे वो जो लो बार रो था वो काफी अच्छा फील हुआ मेरे को। केबल रोइंग के साथ उसको करना चालू करूंगा मैं, दो रोइंग एक्सरसाइजेस प्लस वन वर्टिकल पुल एंड एक लैट पुल ओवर। सो इसके साथ मेरा बैक वर्कआउट कुछ ऐसा दिखने वाला है। एंड लास्ट में रेड एल्ट फ्लाई भी मैं हर बैक वर्कआउट में इंक्लूड करूंगा। सो काफ़ी अच्छा वर्कआउट था। अगर सुबह जिम खुला रहता तो अच्छा रहता, अच्छे से खाली जिम में वर्कआउट कर पाते। बट एनीवेज पंप चेक करते भी कैसा आया। बैक का वर्कआउट कुछ ज़्यादा ही अच्छा हुआ। एंड जो भी एक्सरसाइजेस की प्योर इंटेंसिटी के साथ की। एंड क्या बोलना था मेरे को, और अभी पोस्ट वर्कआउट मील में मैं ओट्स खा रहा हूँ, ओट्स एंड वे प्रोटीन में बिग मसल्स का यूज़ कर रहा हूँ। एंड मेरे को थोड़ी बातें करनी है कि मतलब 30 डे व्लॉगिंग चैलेंज मेरे को अब धीरे धीरे एक्साइटिंग लग रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा रूटीन सेट हो गया है कि हर एक दिन रिकॉर्ड करना है, हर एक दिन एडिट करना है एंड हर एक दिन अपलोड करना है। तो उसका जो प्रोसेस है एंड जो भी प्रोडक्टिविटी का जो भी दिमाग में रहता है कि मैं प्रोडक्टिव हो रहा हूँ हर एक दिन, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, एग्ज़ाम दे रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा करिकुलर भी बुक्स पढ़ रहा हूँ एंड जो भी यूट्यूब वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो काफ़ी प्रोडक्टिव फील हो रहा है। एंड अच्छा है, मतलब कि अभी आज 5th day है एंड ऑलरेडी मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। 30 डेज के बाद मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा और एक्सटेंड करूँगा, पर 30 डेज पहले कंप्लीट होने के बाद बोलना चाहिए था मेरे को। ऑलरेडी प्रोमिसज नहीं बनाने चाहिए, बट अभी मैं ये बुक पढ़ूँगा फाइनली, क्योंकि अभी परसों एग्ज़ाम है तो 2 दिन का छुट्टी है, होली भी है कल, तो उसके हिसाब से छुट्टी रहेगा तो मैं ये बुक पढ़ सकता हूँ एंड उसके साथ BMS का थोड़ा पढ़ाई कर सकता हूँ। ये बुक का मैं रिव्यू देते रहूँगा आप लोग को, तो आप लोग भी इसको मतलब स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना। मेरे को तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है इसका स्टोरी। अगर आपको थोड़ा स्टोरी के बारे में जानना है कि ये बुक किसके लिए है एंड क्या है इस बुक में, तो आप लास्ट व्लॉग देख के आना, तो उससे आपको पता चल जाएगा। अब ये पोस्ट वर्कआउट मील इन्जॉय करूँगा एंड देन शाम को एक वॉक पे मिलते हैं। डेकैथलॉन में मोस्टली सॉक्स लेने आए हैं, अगर कोई कपड़े पसंद आएंगे तो वो लूँगा। एंड शाम का वॉक कैंसिल करके मस्त संडे को डेकैथलॉन पे टाइम पास करेंगे अच्छे से एंड देखते हैं कि क्या पसंद आता है क्या। और डेकैथलॉन के सॉक्स का प्रॉब्लम क्या है कि मतलब 2-3 महीना पहन के वो फट ही जाते हैं एंड बार बार लेने पड़ते हैं, तो कोई ड्यूरेबल सॉक्स देख रहा हूँ मैं अगर। एंड इतने ऑप्शन है कि कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ हर बार। सो कंप्रेशन का कैसा देखते हैं एक बार, कैसा लग रहा है बताओ मेरे को। आई थिंक सो 1000 रुपये में बेटर ऑप्शन है इससे ज़्यादा, बट ये देखो बॉक्स लिया एंड रेड टी शर्ट लिया।
इसी के साथ मेटामॉर्फोसिस एपिसोड नंबर कौन सा है, ये 8 या 9 है? हाँ, तो 9 एपिसोड खत्म होता है एंड डेली व्लॉगिंग का डे नंबर 5 खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मज़ा आ रहा है डेली व्लॉगिंग में। सो कल मिलते हैं।